तो डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल देखना, नहीं तो अल्कोहल और फिनॉल को कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस बोर्ड्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अब बातें करते हैं क्या कौन सा रिएजेंट जो कि अल्कोहल से रिएक्शन ना करे फिनॉल से करे, फिनॉल से ना करे अल्कोहल से करे। ये इसमें मैं दो पॉइंट्स लिखवाता हूँ, कोई एक पॉइंट लिख देना हो जाएगा, ठीक है। तो पहली पॉइंट की अगर मैं बातें करूँ कैसे अल्कोहल को फिनॉल से डिस्टिंग्विश करेंगे, तो यहाँ देखना अल्कोहल की फॉर्मूला होगी C2H5OH, जो जनरल अल्कोहल की मैं ले रहा हूँ, कोई भी अल्कोहल हो सकती है C3H7, CH3OH, कुछ भी ले सकते हो अल्कोहल। फिनॉल की फॉर्मूला जो होगी वो होगी कुछ इस तरह से, सुनना अभी। सबसे मेन डिस्टिंग्विश करने का पॉइंट जो होगा वो तुम लोग ही बता सकते हो अभी उधर से, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा बट ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, क्लियर है। ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं देगा जल्दी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं देगा, बट ये रूम टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। दो पॉइंट तो यहीं पे डिफरेंशिएट कर दिया, इस दोनों पॉइंट को मैं एक में मिक्स करके लिख देता हूँ, सुनना, एक में बस इलेक्ट्रोफिलिक का, ठीक है। तो इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट में फिनॉल गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ Cl2/FeCl3, ठीक है, बट एल्कोहल डू नॉट गिव रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ Cl2/FeCl3, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स मैं रिएक्शन कर दिख लू कि इसको Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 रिएक्शन दू तो नो रिएक्शन, और इसको अगर मैं लिखू Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो दिस फॉर्म क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल and chlorine electrophile attack on ortho and para position, para is more stable, I think you all have known this, ये मैं बता चुका हूँ, फिर से बताने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी पॉइंट अगर लिख लो मैं, दूसरी पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट की बातें कर लूँ तो लिखना alcohol give nucleophilic substitution reaction easily but phenol give nucleophilic substitution reaction at very high temperature, मतलब अगर मैं बातें कर लूँ C2H5OH की, तो अगर HCl से रिएक्शन कर लो, सुनना, नॉर्मल टेम्परेचर, और फिनॉल की अगर बातें कर लो, सुनते रहना, OH की, और यहाँ पे भी HCl के रिएक्शन कर लो, तो यहाँ पे नो रिएक्शन डायरेक्ट लिखोगे ना जी तुम लोग, ये तो पता है नो रिएक्शन का है का क्या कि यहाँ पे हीट नहीं दे रखा है सर। अगर आपने यहाँ पे 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर, ठीक है, याद रखो ये सब। सर आपको कैसे याद हो गया, देखो तुम ही लोग पढ़ाते पढ़ाते मेरे को याद हुआ है, तुम ही लोग जैसे छोटे जो तुम लोग के बड़े भैया लोग मेरे से पढ़ के जो गए उन लोग को पढ़ाते पढ़ाते याद हुआ है, वैसे ही तुम लोग को भी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, यहाँ नो रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर जो अप्लाई करना है वो नहीं दिया गया, बट यहाँ पे आराम से ये H+Cl- इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, सुनना, ल्यूकास रिएजेंट जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट को अभी यूज नहीं कर रहा, बस ZnCl2 कैटलिस्ट यूज कर रहा है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन, यहाँ भी ZnCl2 ले लो, ल्यूकास रिएजेंट ले लो, कोई असर नहीं करने वाला, यहाँ पे ये बनाएगा C2H5Cl, बोलो, ये अपन ने देखा। अब तीसरे पॉइंट की बातें कर लो, ब्रोमीन वाटर, देखना व्हेन अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर मतलब Br2, ठीक है, देन फिनॉल गिव्स वाइट प्रिसिपिटेट वेयर एज एल्कोहल डू नॉट इफेक्ट, ठीक है, डू नॉट गिव रिएक्शन। तीन पॉइंट अपन ने लिखवा दिए, देखना यहाँ पे अगर मैं C2H5OH की बातें करूँ और इसको Br2 से रिएक्शन करूँ, क्या ये रिएक्शन होगा, इनले नो कोई अटैक करने आएगा ही नहीं Br पे, ब्रोमीन पे कौन अटैक करेगा भाई, ठीक है, कोई असर होगा ही नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे अगर मैं फिनॉल की बातें कर लूँ और Br2 की बातें कर लो, ठीक है, तो यहां से डबल बॉन्ड होने के चलते Br पॉजिटिव पे अटैक होगा और पॉजिटिव जाके जुड़ जाएगा, क्या क्या मतलब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होना, तो ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा जबकि अल्कोहल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, तो यहाँ पे अपन नो रिएक्शन आराम से लिख सकते हैं, जबकि यहाँ पे तुम लोगों को मैंने बता रखा था, ये सारे रिएक्शन बता चुके हैं, बस यहाँ पे डिस्टिंग्विश बता रहे हैं, ब्रोमीन, अगर ये 3 मोल दे रखा है तब 1 मोल दे रखा है तो यहाँ पे ब्रोमीन लगाओ, 2 दिया तो 1 यहाँ 1 यहाँ, 3 दे रखा है तो 3 हो जाएगा। इसका कलर जो होता है वाइट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, और प्रिसिपिटेट तो बनाएगा वाइट PPT,
प्रिसिपिटेट तो बनाएगा, ये तो पता चल रहा है, इतने भारी मॉलिक्यूल प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा तो जाएगा कहाँ। तो वाई प्रिसिपिटेट, इसका फॉर्मूला का नाम क्या होता है सुनना, इसका नाम क्या होता है, तो 2,4,6-ट्राइब्रोमो फिनॉल, ठीक है। ये था डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड एल्कोहल शॉर्ट में, इसमें से कोई भी एक पॉइंट लिख दो काम हो जाता है, अगर एक नंबर का है, दो नंबर का दो पॉइंट लिख दो काम हो जाता है, खुश हो तीनों लिख दो तो चलेगा, ठीक है। अब अगले में देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल